वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। गला है बहुत ख़राब, मौसम है बहुत ख़राब, और यहाँ आपने देखी हो कि हाथ लगे है, मेहंदी लगाई है मेरे नन्ने उड़िया की, मेरे बेटी की। और इधर मैं शादी में वलीमे में जा रही हूँ, शादी व्लॉग डाल चुकी हूँ, तो इधर तहते खाना बना के जा रही हूँ। कोई नन्ने ही जा रही जाती शादी में, तो उन्होंने कहा था कल बीफ पकड़ते तो आप मुझे दाल बना दे, तो उनके लिए दाल रोटी बना के मैं जा रही हूँ। यहाँ मेरी बेटी और मेरा लुक घर में ही तस्वीर ले ली थी, और बस अब हॉल पहुँच चुके हैं, वलीमा है। तो बस ये हॉल काफ़ी बड़ा, बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छा सजाया था। इधर मैं और मेरे हस्बैंड खड़े हुए हैं, आपने देख ही लिया होगा, सर पर पट्टा, हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं अपने आराम में, अपने पप्पू के बेटे के साथ इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ दादा को देखे, दादा सब सर्दी से सुकड़े पड़े हुए हैं, और सर्दी इतनी है कि इतनी बच्चों को चीज़ें पहनाना पड़ रही है, मगर मजबूरी है, बच्चे बीमार हो जाएंगे। तो यहाँ लड़की वाले आ चुके हैं, यहाँ हम सब फूल लेके खड़े हुए हैं, और दूल्हा भी खड़ा है। तो वली में हमें बताते यही होता है कि दूल्हा बाहर खड़े हो जाते हैं, वो लड़की के वाले बारात आती है, मतलब लड़की वाले आते हैं तो उनका इस्तकबाल करते हैं। वली में वाले दिन लड़के साथ खड़ा होता है, तो वही हो रहा है, हार फूल तैयार है, और यहाँ वेलकम अच्छा सा होने के बाद एंट्री हो रही है। माशाल्लाह से बहुत अच्छे कपल लग रहा था, अल्लाह पाक इनको बहुत सारे खुशियाँ दिखाए ज़िंदगी में, और इनके लिए अच्छे साबित हो, एक दूसरे के लिए अच्छे साबित हो, बहुत खुशियाँ दिखाए, खुदारिया करें, बहुत सारे खुशियाँ दिखाए। यही दुआ होती है एक न्यू कपल के लिए, अच्छे से प्यार मोहब्बत से मिलजुल करें। कोई दो फैमिलियाँ मिलती हैं, दो लड़का लड़की के साथ दो ख़ानदान मिलते हैं, तो दोनों ख़ानदानों में भी, दोनों लड़का लड़की में भी, घर में भी सुकून अमन और प्यार मोहब्बत जगह अल्लाह पाक, और हम सबको भी इस बदले में खुशाबाद रखे, मिलजुल कर तो फिक्र फरमा। यहाँ एंट्री हो रही है, बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह से, क्योंकि फोटोग्राफर जो होते हैं 10 तस्वीरें होती हैं उनकी, तो उनका इतने पोस्ट लेते हैं कि बेचारा थक जाते हैं, दुल्हन दूल्हा। मगर खैर उस वक्त जो फीलिंग्स होती है बहुत अच्छी होती है, बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, और ये सारे यादगार लम्हे रह जाते हैं। तो यहाँ हम बैठे हुए, मैंने सोचा क्यों ना हमने सेल्फी ले लेते अपनी बेटी के साथ। मज़ेदार सा डिनर लग चुका है, अब्बू सब लोग खड़े हो गए हैं और मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो इन्होंने कहा तुम जब तक वीडियो बना रही हो तो क्यों ना मैं खाना निकाल लेता हूँ। तो बस ये खाना निकाल रहे हैं, ब्लैक एंड ऑफ वाइट स्वेटर पहना था, तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी, बिरयानी थी और टिक्का था, गाजर का हलवा, सीज़न है तो गाजर का हलवा ही सब रखते हैं, और बहुत मज़े का खाना था और बहुत मज़ेदार था। टिक्का था और कढ़ाई थी, आई थिंक कढ़ाई थी और बिरयानी थी, बहुत मज़े का था, गाजर का हलवा, सैलड वगैरह, टिक्का, सलाद रहता, बहुत सब थी, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से। यहाँ एंट्री होने के बाद रस्में हो चुकी हैं, अब यहाँ पर तस्वीरें क्लिक जा रही है, और हॉल मतलब बहुत अच्छा था, लाइटिंग बहुत अच्छी ज़बरदस्त करी हुई थी। कराची पाकिस्तानी शादियाँ तो ऐसी ही होती हैं, इसमें जो इंजॉयमेंट है वो और कहीं नहीं होती है। बहुत मज़ा आया था माशाल्लाह से, और यहाँ पे जब फैमिली बैठे ग्रुप फ़ोटो हो रही है, गिफ्ट वगैरह रखे हुए हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। अगर कोई गलती हो गई तो माज़र खा हूँ। डिनर ख़त्म हो गया है, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।